हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बिना शक्कर के और बिना गुड़ के ड्राई फ्रूट रोल के रेसिपी लेकर आई हूँ, तो इसे ज़रूर एंजॉय करें। ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है खजूर, ये लगभग 500 ग्राम खजूर है। मैंने इसके सारे सीड्स निकाल लिए है, आप बाजार से सीडलेस खजूर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए है जिसे बारीक बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट अपने पसंद के लिए जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर कुछ किशमिश लिए है, खसखस और घी। खजूर में से बीज सारे निकाल देने हैं, बाद में इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है। ध्यान रखिए सारे बीज हमें इसमें से निकाल देने हैं, नहीं तो हमारा मिक्सर भी खराब हो सकता है। देखिए मैंने मिक्सर में से खजूर की पेस्ट अच्छी तरह से निकाल ली है। मिक्सर में ये पल्स मोड पर आसानी से बन जाएगी। देखिए मैंने पैन पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें ऐड करना है खसखस, इसे अच्छी तरह से भून लेना है। खसखस को लो फ्लेम पर हमें भूनना है ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है अच्छी तरह से निकल जाए। खसखस को लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। देखिए खसखस अच्छी तरह से भून चुकी है, अब इसे निकाल लेना है। उसी पैन में मैं ऐड करूँ 1 चम्मच घी, जो हमारे ड्राई फ्रूट है उसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इसे लगभग 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। ध्यान रखें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके, अब इसे निकाल लेना है। उसी पैन में अब इसमें ऐड करना है 1 चम्मच घी, इसे मेल्ट कर लेना है। अब जो हमने खजूर की पेस्ट बना के रखी थी वो इसमें सारी ऐड करनी है और इसे लो फ्लेम पर हमें भूनना है ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसे धीमी आंच पर ही हमें मेल्ट करना है, अगर गैस हाई फ्लेम पर रह जाएगा तो इसके जलने के चांसेस होते हैं। देखिए खजूर की पेस्ट अच्छी तरह से रोस्ट भी हो चुकी है और मेल्ट भी हो चुकी है। अब इसमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से ही रोस्ट करके रखे थे, इसमें सारे ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर कुछ किशमिश भी लिए है, इसमें सारे ऐड करने हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ड्राई फ्रूट का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसे निकालना है एक बाउल में और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, जितना आप हाथ को सह सके उतना ही इसे ठंडा करें। देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए मैंने 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया है और इसने अच्छी तरह से रोल बना लिया है। देखिए ये पहला रोल हमारा तैयार हो चुका है, अब ये दूसरा रोल भी हमें बना लेना है। दूसरा रोल भी हमें इसी तरह बना लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर 2 ड्राई फ्रूट रोल अच्छी तरह से बना लिए हैं। अब इसमें हमें खसखस में कोट करना है। मैंने यहाँ पर लिया खसखस, इसे अच्छी तरह से डालना है और जो रोल्स है उसे एक एक करके इस पर इसे कोट करना है। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट रोल कितने बढ़िया दिख रहे हैं। देखिए रोल अच्छी तरह से हो गया है, दूसरा रोल भी इसी तरह हमें कोट करना है। देखिए दोनों रोल अच्छी तरह से खसखस में कोट हो चुके, अब इसे हमें रैप करना है बटर पेपर में। देखिए एक बटर पेपर में एक रोल रैप करना है, अच्छी तरह से इसे फोल्ड करना है और इसे अच्छी तरह से सील कर लेना है ताकि ये निकल ना जाए। देखिए ये हो गया हमारा एक रोल, इसी तरह दूसरा रोल भी हमें रैप करना है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों ड्राई फ्रूट रोल अच्छी तरह से रैप कर लिए हैं और इसे अभी फ्रिज में रखना है कम से कम 1.5 से 1 घंटे के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। देखिए दोनों ड्राई फ्रूट रोल अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं, अब इसे कट करना है। एक नाइफ की मदद से इसे धीरे धीरे इसे कट करें। देखिए दोनों रोल्स हमें इसी तरह कट कर लेने हैं। देखिए कुछ इस तरह एक स्लाइस इस साइज में हमें इसे कट करना है। देखिए ड्राई फ्रूट रोल कितने अच्छी तरह से बन चुके हैं। देखिए मैंने दोनों रोल्स कुछ इस तरह कट कर लिए हैं, अब इसे ज़रूर इंजॉय करें। इस ठंडी में इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताएं और मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर ले और मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।